सो हाई एंड वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आर्शोर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे कौन से टॉप कॉलेजेस हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हो थ्रू MPDTE काउंसलिंग, जिसके रजिस्ट्रेशन जो हैं वो 15 जून से स्टार्ट हैं। तो हम बात करेंगे टॉप कॉलेजेस के बारे में, राइट फ्रॉम गवर्नमेंट टू प्राइवेट कॉलेजेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करें MPDTE काउंसलिंग में, जो ज़्यादातर स्टूडेंट जो टॉप का कॉलेज है जो इस काउंसलिंग के थ्रू टारगेट करते हैं वो है श्री GSITS इंदौर। मैंने इस कॉलेज पे आई थिंक लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर वीडियो भी बनाया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये कॉलेज ऐसा है कि 25-30 हज़ार की रैंक में यहाँ का CS जो है वो क्लोज होता है व्हेन इट कम्स टू जनरल कैटेगरी। सो दैट इज़ श्री GSITS इंदौर। मैं आपको एक सिंपल सी एक सिचुएशन बताती हूँ। एक स्टूडेंट था, उसकी रैंक काफ़ी अच्छी थी, बट जोसा की काउंसलिंग में गलत करने की वजह से उसका NIT का सीट चला गया। तो वी वेंट टू NIT भोपाल, राइट, टू डिस्कस। तो वहाँ के डायरेक्टर का ये कहना था कि अगर NIT भोपाल नहीं मिल रहा है तो आप SGSITS भी ले सकते हो। तो ये कॉलेज काफ़ी अच्छा है, ट्रस्ट मी ऑन दिस। द रेपुटेशन ऑफ दिस कॉलेज स्पेशली MP के अंदर वो काफ़ी कहीं ना कहीं अच्छा है। सो दैट इज़ द टॉप कॉलेज थ्रू MPDTE, दैट इज़ कॉल्ड श्री GSITS इंदौर। अब दूसरे कॉलेज की अगर हम बात करें जो बच्चा टारगेट करता है थ्रू MPDTE है, उसका नाम है IETDAVV। वैसे तो ये काफ़ी बाद में स्टार्ट हुआ है और ऑल्सो आप गवर्नमेंट कॉलेज सोच रहे हो, बट फीस स्ट्रक्चर इनके गवर्नमेंट जैसी नहीं है। इन सभी का फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो 1 लाख के आसपास का ईयरली फ़ीस स्ट्रक्चर है। IETDAVV SGSITS काफ़ी पुराना है, IETDAVV काफ़ी बाद में इस्टेब्लिश हुआ है, इससे पहले का JEC है। बट अगर हम रैंकिंग में बात करें बिकॉज ये कॉलेज इंदौर में है, सेकेंड प्रेफरेंस कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स की रहती है IETDAVV, जिसको आप DT काउंसलिंग के थ्रू टारगेट कर सकते हो। अगर SGSITS आपको 30-35 हज़ार में मिल सकता है CS के लिए, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 40 हज़ार की रैंक में, 42,000 की रैंक में कहीं ना कहीं मिल सकता है। और अगर आप इन कॉलेजेस को टारगेट करना चाहते हो, बिकॉज मैं हमेशा ये कहती हूँ चॉइस फिलिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है अगर हम काउंसलिंग की बात करें, उसी के लिए यू नो आप मेंटोरशिप भी ले सकते हो, जहाँ पे आप अपनी काउंसलिंग की यू नो जो सजेशंस है कौन सा कॉलेज मेरी रैंक पर मिल सकता है, कैसे मुझे चॉइस फिलिंग करनी है, कैसे टारगेट करना है, नीचे लिंक दिया है उस पर जाके रजिस्टर करके वो भी कर सकते हो। सो दैट वाज द टू कॉलेजेस थ्रू MPDTE। उसके बाद जो तीसरा कॉलेज आता है उसका नाम है JEC जबलपुर। जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से ये जाना जाता है। बहुत सारे अच्छे रैंक के बच्चे इस कॉलेज को टारगेट करते हैं। इस कॉलेज को टारगेट करने का एक और रीज़न ये है कि फीस जो है वो एकदम ना के बराबर है। जहाँ पे आप SGSITS DAVV में 80,000 90,000 जैसी फ़ीस पे कर रहे होते हो, वहीं अगर हम दूसरी तरफ जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज की फ़ीस देखें तो 25-30 हज़ार रहती है और OBC वालों का बच्चों का 500 रुपये के अंदर एडमिशन हो जाता है। इट इज़ ऑल्सो अ वेरी ओल्ड कॉलेज। इन सभी कॉलेजेस के अगर आप एलुमनाइज चेक करोगे तो वो काफ़ी टॉप नॉच प्रोफाइल पे कहीं ना कहीं प्लेस्ड हैं, राइट। और स्पेशली यू नो हम जब प्राइवेट कॉलेजेस में देख रहे होते हैं तो प्राइवेट में सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जो है वो कभी फिल ही नहीं होती, बट अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो यार यहाँ पे बायो मेडिकल जैसी ब्रांचेस, यू नो पेट्रोकेमिकल जैसी ब्रांचेस, IT जैसी ब्रांचेस के लिए भी कट ऑफ बहुत कम पे जाता है। सो दैट वाज द थर्ड कॉलेज इन दिस लिस्ट व्हेन इट कम्स टू MPDTE काउंसलिंग। उसके साथ साथ जो चौथा कॉलेज है उसका नाम है MITS ग्वालियर। यार ग्वालियर का नाम वैसे भी काफ़ी मशहूर है, राइट, बहुत सारी चीज़ों के लिए। ये कॉलेज भी जो है बहुत सारी स्पेशलाइजेशन कराता है, थोड़ा सा ये स्मार्ट किस्म का कॉलेज है, सेल्फ फाइनेंसिंग कैटेगरी में आता है, गवर्नमेंट ही कॉलेज है। फीस स्ट्रक्चर थोड़ा एक्सपेंसिव है बाकी सभी कॉलेज से, पर यहाँ पे आपको CS भी मिल जाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, बहुत सारी स्पेशलाइजेशन है। तो जिस बच्चे को लग रहा है मुझे कंप्यूटर से रिलेटेड ब्रांचेस चाहिए और मेरी रैंक थोड़ी सी कम है, बहुत कम की बात नहीं कर रही हूँ, वो कहीं ना कहीं इस कॉलेज को टारगेट कर सकता है, दैट इज़ कॉल्ड MITS ग्वालियर। बच्चे JEC को थोड़ा ज़्यादा प्रेफर इसलिए करते हैं बिकॉज ऑफ द फीस स्ट्रक्चर, बट MITS इज़ ऑल्सो डूइंग गुड व्हेन इट कम्स टू प्लेसमेंट। सो दैट वॉज दी टॉप 4 कॉलेजेस थ्रू MPDTE। उसके बाद आती है बारी हमारे UIT RGPV की। भोपाल में ये कॉलेज है, अगर हम बात करें UIT RGPV, आई वेंट टू द कैंपस। कैंपस काफ़ी बड़ा है, काफ़ी सुंदर है, थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में है भोपाल में,
और ये कॉलेज की भी, स्पेशली जो भोपाल का बच्चा है, क्योंकि भोपाल में गवर्नमेंट में दो ही कॉलेजेस, एक बीयू, बीयू को कोई पूछता नहीं है, आरजीपीवी को हर कोई पूछता है। इसीलिए मुझे याद है, मैं आज से 3 साल पहले सीएलसी राउंड में 15 अगस्त को उस कॉलेज में गई थी, 500 बच्चे थे पेट्रोकेमिकल ब्रांच के लिए। तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि यू नो गवर्नमेंट कॉलेजेस में पेट्रोकेमिकल जैसी ब्रांचेस के लिए भी कितना क्रेज होता है। एंड दैट इज़ द कॉलेज कॉल्ड फिफ्थ कॉलेज UITRGPV, राइट। अब UITRGPV के बाद यू नो लिस्ट में आता है जो बच्चा प्रेफर करता है, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज, UEC उज्जैन, राइट। महाकाल की नगरी कहलाती है उज्जैन। और अगर हम यहाँ बात करें तो जो उज्जैन के स्टूडेंट्स और जो आसपास के स्टूडेंट्स हैं उनकी लिस्ट में ये कॉलेज रहता है। इसको भी रखने का रीज़न क्या है, क्योंकि फीस बहुत कम है इस कॉलेज की कहीं ना कहीं। देन उसके बाद लिस्ट में आपके पास और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे आप SATI विदिशा देख सकते हैं। SATI विदिशा की भी बात करूं तो ये भी कई सारी स्पेशलाइजेशन है CS से रिलेटेड, और इसको भी अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 1960 का कॉलेज है ये, तो अगर आपको यू नो CS से रिलेटेड ब्रांचेस चाहिए, आपकी रैंक थोड़ी सी कम है, तो आप इसको टारगेट कर सकते हैं। देन इसके बाद तो फिर बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, रीवा आता है, राइट। देन उसके बाद सागर है, पर जो प्रेफरेंस वाइज है वो कहीं ना कहीं ये 6-7 कॉलेजेस हैं जिनको स्टूडेंट्स रखता है। मैं एक कॉलेज और भूल गई हूँ, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा, UIT का ही एक और कॉलेज है, 2 साल पहले स्टार्ट हुआ है, जहाँ पे वो कंप्यूटर से रिलेटेड CS, BS, CS, DS जैसी ब्रांचेस कराते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर RGPV देख रहे होते हैं, उन्हें नहीं मिलता, तो वो कहीं ना कहीं उस कॉलेज को भी टारगेट करते हैं। अब अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस में बात करें, अगेन इन कॉलेजेस की कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, आपकी रैंक पर मिलेगा नहीं मिलेगा, हम लाइव भी आएंगे, हम और वीडियोज़ भी बनाएंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन करना है। और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि मुझे रिस्क नहीं लेना, मेरी रैंक अच्छी है, मुझे अच्छा कॉलेज चाहिए DT के थ्रू या JOSA के थ्रू, तो नीचे एक मेंटोरशिप प्रोग्राम भी है जिस पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं और अपनी रैंक पे एक सही कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं। सो दैट वाज दी टॉप 7 कॉलेजेस। अब हम प्राइवेट में बात करें तो प्राइवेट में वैसे तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं नहीं, बच्चा LNCT भोपाल मांगता है, LNCT का भी मेन कैंपस, और हम बात कर रहे हैं सिर्फ CS ब्रांच की, तो सिर्फ CS से रिलेटेड ब्रांचेस जो है फिल हो जाती हैं, EC बाकी सारी ब्रांचेस में तो ना ही कोई वैल्यू है, ना ही कोई रेपुटेशन है। यहाँ पे जो वैल्यू है वो मेन कैंपस 1994 CS ब्रांच, देन उसके बाद भोपाल में अगर बच्चा टारगेट करता है तो ओरिएंटल टारगेट करता है, इंदौर में टारगेट करता है तो उसके पास IPS है, एक्रोपोलिस है, राइट, जो DT के थ्रू टारगेट कर सकता है। फिर उसके बाद बहुत सारे कॉलेजेस हैं, TIT है, SysTech है, ये सारे कॉलेजेस में तो बहुत इजीली एडमिशन मिल जाता है। जो थोड़ा सा कंपटीशन रहता है वो LNCT के मेन के CS के लिए रहता है, क्योंकि वो उसका CS थोड़ा सा कम रैंक पे क्लोज होता है, CS और CS से रिलेटेड ब्रांचेस। बाकी सारे कॉलेजेस जो हैं वो आपको काफ़ी ईजिली मिल जाते हैं। तो ये सारे कॉलेजेस हैं जो कहीं ना कहीं आप MP DT के थ्रू टारगेट कर सकते हैं। प्राइवेट भी डिस्कस कर लिए, गवर्नमेंट भी डिस्कस कर लिए, अगर आप जानना चाहते हैं आपकी रैंक के हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज अप्लाई करना चाहिए, टारगेट करना चाहिए, नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। सो दिस वाज मी आरशी खान साइनिंग ऑफ, मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, फॉर मोर सच वीडियोस कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।